अच्छा अच्छा ठीक है, कहोगे तो चोरू का गुलाम बनने को भी तैयार, लेकिन एक बार मुझे इसका पति तो बनने दो। रचना, अपने भाई से कह दो कि मैंने अपना इरादा बदल दिया। अच्छा, इरादा बदल दिया? फोन पे सीधे पूछो, जल्दी से पहना दो ना, सब वेट कर रहे हैं, प्लीज। अरे ऐसे कैसे वरमाला पहना दूं? तुमने अभी तक मुझे प्रपोज कहां किया? प्रपोज नहीं किया, व्हाट डू यू मीन? कि क्या तुमने अब तक मुझसे पूछा कि गुंजन क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अच्छा जी। हाँ, देखो तुमने पापा को अग्री करवाया, सारे घर वालों की मर्जी ली, लेकिन तुमने मुझे कहा आई लव यू और बस समझ गए कि लड़की पड़ गई। ऐसे थोड़ी ना होता है, सॉरी नॉट हैपनिंग। माय डियर कुंजन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करूंगी। डूड माइंडेड। माइंडेड क्या? देखा, डर के भाग गया। डोंट वरी, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास, और कोई भी लड़का ओवर स्मार्ट बनेगा ना तो जस्ट कॉल मी, क्योंकि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे आंटी जी, एक अच्छा सा स्माइल दीजिए ना, आखिर आप लड़के की माँ है, अच्छा मूड तो बनता है ना। अरे ये वाला नहीं, अच्छा वाला स्माइल दीजिए ना। हाँ दीदी, ठीक तो कह रहा है, मुस्कुरा दीजिए। देखिए ना, शादी की सीरीज बनेंगी और जब सब ये देखेंगे कि आप मुस्कुरा नहीं रही है ना, तो सबको ऐसा लगेगा आप इस शादी से खुश नहीं है। इसलिए इस कैमरे की खातिर से मुस्कुरा दीजिए। एक बार कन्यादान हो जाने दो,
फिर देखना अब शैल दीदी को कैसे अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखते हैं। हम कहेंगे दिन है तो दिन है, और हम कहेंगे रात है तो रात। देखना पूरे परिवार को ना नचाना तो हमारा नाम भी सीमन। बस बेटा बस बस, सबर का फल मीठा होता है, बस थोड़ी देर और फिर देखना तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे। हाँ किसी ने बताया तुम कितनी सुंदर लग रही हो, सीरियसली एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरे सामने स्नेहा खड़ी है। पापा मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही हूं, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन You know what I mean ना? सब कुछ होते हुए भी उनकी कमी महसूस हो रही, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता पापा। I really wish you was here. रो मत बेटा प्लीज। तुम्हें पता है मम्मा जानती थी कि तुम आज उसे बहुत मिस करोगी, इसलिए उन्होंने ये सरप्राइज देना सोचा था। कैसा सरप्राइज? आंटी और गुंजन, ये तुम दुल्हन बन गई हो। छोटी सी प्यारी सी बेबी, लुक एट यू, आज दुल्हन बन गई। वाह, मन कर रहा है कि एक छलांग मारकर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, तुम पर ढेर सारा प्यार बसाऊं बच्चा, बस तुम्हें प्यार करूं, प्यार करती रहूं। लेकिन अफसोस मम्मा तुम्हारे पास नहीं आ सकती, तुम्हारी जिंदगी के सबसे हसीन मौके का मम्मा हिस्सा नहीं बन सकती। मम्मा को माफ कर देना बेटा, ना मम्मा तुम्हें प्यार कर पाए ना ही तुम्हारी नजर उतार पाए। दूर से सब देखती रही और खुश, क्योंकि मम्मा जानती है तुम्हारी शैल मौसी ने तुम्हारी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा उन्होंने तुम्हारे नखरे उठाए होंगे, है ना? After all, मेरी बहन जो है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, मेरा आशीर्वाद मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ, मम्मा की नजर हमेशा तुम पर रहेगी। एक खबरदार मेरे दामाद को तंग किया तो, मैं जानती हूं मेरा दामाद है लाखों में एक होगा, इसलिए मिस्टर मेरी गुंजन का ख्याल रखना। और गुंजन ससुराल में किसी को कोई शिकायत का मौका मत देना, मैं चाहती हूं कि सब कहें कि स्नेहा की बेटी है इसे तो अच्छा होना ही था।
रही क्या? रो रही हो आज के दिन? नहीं, आज का दिन सिर्फ जश्न मनाने का है, खुश रहने का है, मुस्कुराने का है। मुस्कुराओ। तुम दोनों को मम्मा का ढेर सारा प्यार बेटा। तुम्हारी एंड ऑलवेज तुम्हारी मम्मा। ने रोने से मना किया है, लेकिन पापा ये सीडी कहां से कैसे? बेटा तुम्हें याद है मामा ने बहुत सारे सीडीज रिकॉर्ड करके तुम्हें दिए थे, लेकिन ये वाला सीडी मामा ने मुझे दिया था और मैंने इसी दिन के लिए उसे संभाल के रखा था। वाह, दैट्स इज ग्रेट पापा। पता है मौसी जी और मौसा जी मेरा कन्यादान करे उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा से आपको और मामा को मेरा कन्यादान करते हुए इमेजिन किया था। आई नो बेटा, लेकिन करे क्या, सीमा जी और मौसी जी तुम्हारे भले के लिए बोल रही है। पापा, मेरी खुशी में अगर मेरे पापा ही शामिल नहीं है तो वो मेरा भला कैसे हो सकता है? हाँ ब्रेव गर्ल, कन्यादान ना भी करूं तो क्या हुआ, मैं यही हूं तुम्हारे पीछे। अब सुनो, ये सब सोचना बंद करो और खुश रहो, अच्छी अच्छी बातें सोचो। ओके डिजाइनर, क्या हुआ? वो बॉबी है ना, उसकी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। किसने कहा उसे कबाब में हड्डी बनने को? फियान, बॉबी हमारे पीछे एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में कभी सोचा है? मतलब ये कि हम इस तरह छुप छुप के तो मिल रहे हैं, लेकिन आगे का क्या होगा सोचा है? ऐसे डराओ मत यार, मैं मॉम डैड को सब बता दूं। नहीं व्यान, ना वो मानेंगे और ना हमारे घर वाले, नहीं मानेंगे वो। इधर तुम राजी तो होना रचना, You love me, right? तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? विहान, विहान छोड़ो, हमें कोई देख लेगा, प्लीज छोड़ो ना। देखता है तो देखने दो, पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने को तैयार हो ना? जवाब जो रचना।
मुझे बाकी दुनिया की कोई परवाह नहीं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। अच्छा, सबसे जरूरी काम तो भूल गए हम। क्या? मयंक भैया के जूते छुपाना है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। कुछ सोचा है? हाँ, हमारे पास एक आइडिया है। रचना, तुम्हारा एक झुमका कहाँ है? झुमका? आप बैठिए, मैं आता हूँ। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल सर। तुम? वो तुम्हारे दांतों का दर्द कैसा है? किसी डेंटिस्ट को दिखाया कि नहीं? ओ जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अंकल जी, देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, ये ठंडा ले लीजिए। इतनी गर्मी में आप भाग दौड़ कर रहे हैं जी। नहीं नहीं बेटा, हम ठंडा नहीं पी सकते, गला खराब हो जाता है। तुम पियो। नहीं नहीं, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ जी, कुछ तो लीजिए मेरी खातिर। नहीं नहीं बेटा, चाय वाय नहीं चाहिए, अभी बहुत काम पड़ा है, बाद में पी। ये झुमका तुम्हारे कोट पर कैसे आया? नहीं जी अंकल जी, झुमका नहीं है जी, ब्रोच है ये, झुमके वाला ब्रोच, ये स्टाइल वास्ते। झुमके वाला ब्रोच? अब बेटा ये नए जमाने के नए तौर तरीके हैं, हम बुजुर्ग क्या जाने इसके बारे में। अरे रचना, यहां आओ बेटा। हाँ तो बताओ, ये यहां कैसे है? ये आपका है जी? ओ सॉरी मैडम जी, मुझे तो जी नीचे पड़ा हुआ मिला, तो मैंने सोचा ब्रोच है। कोई गल नहीं जी, ये लो। वाह जी वाह, मेरा मतलब है जी, आपका है तो आप ही लोगे ना, झुमके का जोड़ीदार है। ओहो, मुझे जी पम्मी जी को फोन करना है, उन्हें बोलना है ना जी कि यहाँ ऑल इज वेल है ना। हाँ तो फिर जाओ जी। जी जी हम गुंजन को देखकर आते हैं। हाँ भाई पापा,
हाँ बेटा। क्या प्लीज मेरे साथ मंडप तक चलेंगे? ऑफ कोर्स बेटा, मुझे इसी दिन का तो इतने सालों से इंतजार था। अच्छी नहीं है, रुकिए तो जरा। क्यों, क्या हुआ? जूते पहनकर कोई मंडप में जाता है क्या? हाँ हाँ, चलिए चलिए, हमारे डार्लिंग सजीजा जी, जूते निकालिए। छाया, हमारे भैया को तंग मत कर। अरे भैया, ये जूते ना हमें दीजिए। हाँ। हम इनकी हिफाजत करेंगे। अरे, 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 अरे। हिफाजत करेंगे बड़े आए। किस खेत की मूली है? लाओ मयंक बेटा, ये जूते हमें दे दो, हम करेंगे हिफाजत। अब चाचा जी, हम है ना संभालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मयंक भैया आप अपने जूते हमें दे दीजिए। लाइए दीजिए। हम करेंगे। चूपे टोलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें उल्लू मत बनाओ, हमें सब पता है। आप उन लालची लड़कियों के साथ हो जो मयंक भैया के जूते चुराना चाहते हैं ताकि बदले में उन्हें पैसे मिले। छोलू, हम क्यों भला ऐसे करेंगे? अच्छा एनीवे, वो सब छोड़ो, हमें ना एक बात समझ में नहीं आई। कुछ देर पहले तुम गुंजन की साइड से थे और अब तुम मयंक भैया के जूते के रखवाले कब से बन गए? हाँ हाँ, क्यों, वो भी तो हमारे भैया ही है ना। अच्छा जी, दल बदलू कह के, यानी कि तुम गुंजन से ज्यादा मयंक भैया से प्यार करते हो? नहीं नहीं, तो दीदी को भी प्यार करते हैं। झूठ मत बोलो, अगर तुम गुंजन से प्यार करते तो उनके बगल में बैठे होते। हाँ, बैठना तो चाहिए था, लेकिन जूते हम लेते ना तो इधर। अरे बुद्धू समझते हो, हम सब जानते हैं। आप मेरा बैग प्लीज पकड़ेंगे? ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड, मयंक भैया के जूते कहाँ गए? तुम उच्छेक दंत कपिलो गज कणक लंबोदर छवि कड़ो विघ्न नाशो विनायक। कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता आइए।
दयाल भाई साहब आइए कन्यादान कीजिए। रुकिए एक मिनट। आकाश जी आप यहां बैठिए। मैं बैठूं? चाची आप क्या? आप बैठिए तो सब बताते हैं। लेकिन शैल हमने कहा था ना एक दंपति को ही कन्यादान करना चाहिए। आप सबका यही मानना है एक दंपति ही कन्यादान कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। और आकाश जी तो हर लड़की के मां बाप यही चाहते हैं और उनका हक बनता है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान खुद अपने हाथों से करें। इसलिए आकाश जी ही गुंजन का कन्यादान करेंगे। आकाश जी कैसे कर सकते हैं कन्यादान? रचना जरा ले आओ बेटा। जी मम्मी। यह है स्नेहा हमारी बहन गुंजन की मां। आंखों से धीरे धीरे जो आज ना होते हुए भी हम सब के बीच में मौजूद है। और आज आकाश जी और ये मिलकर गुंजन का कन्यादान करेंगे। ये कहां की दुख है? ऐसा भी कभी हुआ है क्या? क्यों मौसी जी याद कीजिए श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ सीता मैया के ना होते हुए उनके पुतले को सामने रखकर किया था। तो क्या आकाश जी स्नेहा की तस्वीर को सामने रखते हुए उसका स्मरण करते हुए गुंजन का कन्यादान नहीं कर सकते? पंडित जी अब है कोई दिक्कत? नहीं नहीं जरूर कर सकते हैं।
किस शास्त्र में लिखा है कि एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर सकता? जन्म से लेकर विदाई तक जिस बेटी के हर महत्वपूर्ण फैसले में जो पिता शामिल हुआ है, वो अपनी बेटी का कन्यादान सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पत्नी नहीं रही। क्या इस सबकी वजह से वो पिता नहीं रहा? इसमें उसका क्या दोष? हम तो इन दोनों की भलाई के लिए कह रहे थे। अब एक दंपति के कन्यादान करने से उन दोनों का आशीर्वाद इन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दंपति है ना मौसी जी, ये रही। और स्नेहा आज ही नहीं, हमेशा से गुंजन के साथ रही। स्नेहा की आत्मा, उसका आशीर्वाद, उसका जोश, सब गुंजन के साथ यही है हमेशा। हमें और क्या चाहिए? हाँ, आकाश जी, अब और देर मत कीजिए, आइए अपनी बेटी का कन्यादान खुद अपने हाथों से कीजिए। आइए आइए भाई साहब। अब ज्यादा मत सोचिए आकाश जी, गुंजन की कन्यादान की रस्में आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने बनके। पंडित जी, विधि शुरू कीजिए। तो शुरू करते हैं विवाह संस्कार। अग्नि सूर्य का प्रतीक है और इसीलिए अग्नि को साक्षी मानते हुए वर वधु उसके चारों ओर सात फेरे लेंगे। पहले चार फेरों में वर आगे रहेगा और बाकी तीन में वधु आगे रहेगी। पूछे क्यों? हंस हंस। क्यों? क्योंकि व्यावसायिक और बाहर की दुनिया के कार्यों में वर यानी पुरुष को ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उस क्षेत्र के सारे फैसले वो ही लेगा। और बाकी तीन फेरों में कन्या यानी वधु वो आगे रहेगी क्योंकि ग्रह कार्य जीवन में उसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले जल शुद्धि कीजिए, जल को चारों ओर छिड़किए ये मानते हुए कि ये वेलकम ड्रिंक है। Oh.
चौसम गुंज, मेरी बेटी आज फेरे ले रही, वचन ले रही। बस एक बात याद रखना बेटी, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा हस्बैंड है, इससे फेथफुल रहना। और चाहे जो कुछ भी हो जाए, जस्ट स्टे कूल एंड रिलैक्स। ससुराल में अपने हस्बैंड से, रिश्तेदारों से हर वो रिश्ता निभाना बेटा, बस अपनी शहर मौसी को देखना बेटा, उसी की तरह बनने की कोशिश कर। एंड आई लव यू एंड आई विद यू। चलिए आप बैठिए और बाकी की रस्में शुरू करते हैं। अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। अब यह विवाह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए। आओ बेटा, सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद। तेरा बेटा जी, तेरा भगवान करे तुम्हें भी अपनी सास की तरह सिर्फ बेटे की मां होने का सुख प्राप्त हो। हमारे बच्चे हमेशा खुश रहे और खुश रखें, और तुम्हारे बेटा हो या बेटी, जब होना चाहिए तब। हाँ भाई, तुम तो यही आशीर्वाद दे सकती हो ना, और क्या दोगी। हाँ, तुम्हारा अपना बेटा होता तभी तो तुम्हें एक बेटे की मां होने का सुख और गर्व पता होता। मौसी जी, हमें बहुत गर्व है कि भगवान ने हमें बेटियों की मां बनाया है। क्योंकि आज हम जो भी हैं उसमें हमारी बेटियों का बहुत बड़ा हाथ है।